टाइम हो रहा है अभी 8:16 और मैं निकल गया हूँ अपने काम के लिए, जो कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मुझे एक काम है जो मेरठ में है, तो मैं उस काम के लिए निकल चुका हूँ। अब मैं लेने जा रहा हूँ लक्की को, क्योंकि लक्की मेरे साथ चल रहा है इस काम में साथ देने के लिए, भी कोई ना कोई चाहिए ना साथ देने के लिए। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो गाड़ी से जा रहे हैं, अगर बारिश नहीं होती तो बाइक से जाते, और फिलहाल ग्रीन लाइट हो गई है। गाइस सीन कुछ इस प्रकार है कि लक्की को मैंने एक दिया है काम मैप का, और मैप के साथ साथ लक्की क्या काम करेगा कि बार बार तो मैं ऐसे व्लॉग नहीं कर सकता ना, तो इसलिए इस गोप्रो को मैंने सोचा यहाँ पे माउंट कर दिया जाए। इससे मेरे बहुत ज़्यादा फायदे हो जाएंगे, फायदे ये होंगे कि मैं व्लॉग कर पाऊँगा। अभी ग्रीन लाइट होगी तो चलना पड़ेगा। यो गाइस, तो फाइनली हम व्लॉग कर रहे हैं, लेकिन कर किससे रहे हैं? गोप्रो से। और वो गोप्रो से इसलिए व्लॉग हो रहा है क्योंकि बार बार मैं फ़ोन तो उठा नहीं सकता, और ऐसे व्लॉग करना बहुत रिस्की हो रहा है। और अभी जो ये व्लॉग हो रहा है सुपर व्यू मोड पे हो रहा है आई थिंक, तो पहले इसको करते हैं हम लीनियर मोड पे, देन उसके बाद व्लॉग करते हैं। क्या कहते हैं लक्की? बिल्कुल भाई बिल्कुल। जाम देख रहे हो आप भाई, इतना गंदा जाम लग रहा है, ये सुपर व्यू मोड दिखा नहीं पा रहा। वैसे जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत अति। हमारी गलती है, हम थोड़ा लेट निकले हैं, थोड़ा तो शायद जाम से बच सकते थे। अरे मेरे को लगा इतना जाम नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया, क्या कर सकते हैं। सही बात है, हम निकले हैं तो जाना तो है ही, वापस तो मुड़ नहीं सकते। तो फाइनली गाइस हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और हाईवे पहुंचते ही हमें क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। मतलब अभी हमने बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किया, और टाइम अभी हो रहा है 9:24। मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है हमें रास्ते में, बहुत ज़्यादा। और ये ट्रैफिक का हाल पता नहीं क्यों इतना सुबह सुबह ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि लक्की से मैंने बोला है कि गोप्रो को वहाँ पे माउंट कर दे, और लक्की ने बोला है कि भैया मेरे बस के नहीं हो रहे। तो सोचा ये है कि ये काम मेरे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिक्कत सारी ये आती है कि हम इतने ज़्यादा लेट हो रहे हैं, ये काम अपने हाथ में लिए जाए या ना लिया जाए, क्योंकि इस काम में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, और अभी इस टाइम पे 15 सेकंड भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं हमें। क्या कहता है लक्की? बिल्कुल, हम जो है इस वक्त अभी सिर्फ राइड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमें पहुंचना है बस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, अति ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बहुत, मतलब अति और बहुत, जिसको कहते हैं ना वो लेट हो गए। सुबह सुबह हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमारे साथ मतलब मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि जब मैं सुबह सुबह उठा, मैंने पानी वानी गर्म कर दिया, मैं एकदम जोश में, मैंने कहा आज तो नागे जाएंगे सुबह सुबह, देखा तो पानी नहीं था। मतलब इतना बुरा किसी के साथ ना हो भाई, पानी नहीं था ऊपर से सुबह सुबह निकलते वक्त जो हम रेडी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये था कि काम हो गया, मुंह हाथ धोने वाला काम तो पूरा कर ही लेते हैं, काम पूरा हो जाता है, लड़का चमक रहा है ना, चमकना चाहिए। बहुत ज़्यादा घटिया है, मैं बता नहीं सकता, इतने साल से यहाँ पे काम चल रहा है, ये आज तक ठीक नहीं हुआ है। मैं लैंसडाउन भी गया हूँ, मैं काफ़ी सारे जो पहाड़ वाले हमारे एरिया होते हैं, रास्ता यही निकलता है अपना, कब से देख रहे हैं तब से ही ऐसे है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कोंडली में, और मे बी यहाँ से अब 70 किलोमीटर रह गया, 60-70 किलोमीटर रह गया, हमने मैप नहीं चला रखा, ऑनेस्टली बताऊँ तो बस चलन दे रहे हैं, गाड़ी चलने बस लिखा होना चाहिए जहाँ बोर्ड पर लिखा मेरठ, मैं वही मोड़ ले रहा हूँ। अभी ब्रेक लिया गया था यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत देर से हम गाड़ी चला रहे हैं, और मात्र 30 किलोमीटर रह गया है यहाँ से फासला मेरी यूनिवर्सिटी का, तो 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। और तो थोड़ी सी अंगड़ाई ली जाएगी क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा मिला रास्ते में। एक चीज़ दिखाऊँ, गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है, मैं लाइफ में कभी इतनी गंदी गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि बारिश होती थी सुबह सुबह हल्की, तो मैंने इस वजह से कुछ नहीं किया, बस यहाँ पानी मार रहा था पीछे पे, सीधे साफ कर दिया था, ये पत्ते भी ऐसे चिपके जैसे थे। तो आप देख सकते कितनी गंदी गाड़ी लेके आया हूँ मैं, और अभी कुछ भूख लग रही थी सुबह से, कुछ खाया भी नहीं था, तो यहाँ पर कुछ खाने को लिया जाएगा। लेकिन क्या क्या लिया तूने? एक केला है, बस अभी तो बहुत है ना, वहाँ जाके फिर हमें कुछ बड़ी चीज़ें तो खानी है, खाने से हम थोड़ा भूख रख रहे हैं अपने अंदर, सारा पेट नहीं भर रहे अपने, इसलिए थोड़ा हम रखे जाएंगे।
क्योंकि बस हमने सुबह से चाय पी है, चाय के साथ कुछ नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर का नजारा आप देख सकते हो, पेड़ पेड़ बीच में रोड चल रही है और ये हमारी यूनिवर्सिटी है। हम यूनिवर्सिटी के इस टाइम पे अंदर है और पार्किंग के लिए जा रहे हैं। यार इतने दूर पार्किंग है तो फिर हम वापस कैसे आएंगे? लक्की क्या पता दूसरा गेट हो उस तरफ से भी गेट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम तो पीछे था मतलब कोई नहीं। वैसे नज़ारा बहुत अच्छा है। फाइनली गाइस काम पूरा हो चुका है और कितनी बुरी हालत हुई है हमारी, कितनी बुरी हालत हुई है लक्की, क्या कहें हम इस बारे में? कुछ नहीं कह सकते, हम सरकारी काम ऐसे ही होते हैं और हम खुद सरकार के बंदे बनने वाले हैं। इतनी बुरी हालत थी हमारी, इतनी बुरी हालत थी मैं बता नहीं सकता। मतलब 1.5 घंटे से कभी इधर भगा रहे, कभी उधर भगा रहे, फिर एंड में मैंने एक चीज़ करा, मैंने उठाई गाड़ी, मैं जा जाएंगे, अब हम गाड़ी से जाएंगे। एक तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर चक्कर लगे जा रहे हैं, लेकिन फाइनली काम हो गया। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम फाइनली हो गया है और अब हम आए हैं यहाँ पे बिरयानी खाने, वेज बिरयानी जो कि मेरठ में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओहो कितनी देर होगी लगी हमें चलते हुए? हमें हो गया कम से कम 2 घंटे तो हो गए। 2 घंटे से लगातार चल रहे हैं, रोड ऐसा है मतलब छोटा सा रोड है और इसी में चल रहे हैं। और बात बात पे जो ये लोग यूटर्न लेने के लिए गाड़ी स्लो कर देते हैं ना, ऐसे लोग, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं सह लेंगे। इस सीन कुछ इस प्रकार है कि लक्की की डेस्टिनेशन आ गई है, लक्की को बस मैं यहीं छोड़ दूंगा और लक्की का मेरा और साथ यहीं तक था मतलब फिलहाल के लिए। ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे, हाँ हम कल ही मिल जाएंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, बहाना चाहिए होता हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का। अभी तो रिपोर्ट नहीं लाया, रिपोर्ट दे दूंगा। अरे भाई मेरी रिपोर्ट कब लेके आएगा? ले आऊंगा भाई साहब, एक रिपोर्ट है जो इसके पास ना महीने भर से पड़ी हुई है, इसने अभी तक लाके नहीं दिया मेरे को। चलो भाई इसको बाय बाय करते हैं, बाय बाय लक्की, बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी। चुका हूँ और काफी ज्यादा थक गया था कि आपको पता है कि कितना भाग दौड़ में इधर उधर किया मैंने। खैर मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि यूनिवर्सिटी में शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लकी को मैं उसके घर पे छोड़ चुका हूँ, मतलब अपने कजन ब्रदर के साथ छोड़ चुका हूँ। वो कजन ब्रदर जो है वो उसके घर पे छोड़ देगा लकी को, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है उस चीज़ की। बस लकी को एक फ़ोन करके मैं कंफर्म कर लूँगा कि घर पहुँचा नहीं पहुँचा। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आपको पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।